हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये दरबार। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र से नांदेड़ ज़िले से लोहा नगर परिषद के सत्तारूढ़ पार्टी के नेता करीम भाई शेख हर साल की तरह इस साल यहाँ पर आए हैं। अजमेर शरीफ यानी कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान, भारत से लेकर पड़ोसी मुल्क और एशिया से लोग यहाँ पर ज़ाहिरीन आते रहते हैं। हमारे साथ लोहा नगर परिषद के सत्तारूढ़ पार्टी के नेता करीम भाई शेख यहाँ आए हैं। आप जिन्हें हिंदुस्तान का सुल्तान कहा जाता है उनके दरबार में आए हैं, कितने दिनों से आते हैं आप? मैं 25 साल से यहाँ पे आता हूँ और मेरे को जैसा मालूम होता वैसा मैं ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हमेशा आता रहता हूँ। पहले फैमिली के साथ आता था, छोटी सी फैमिली थी और छोटे फैमिली के साथ आता था, इसके बाद दोस्तों के साथ आता हूँ अभी, और दोस्तों को तकरीबन 15 साल से मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। आपने शेड्यूल बनाया है, हर साल का जो है पहला दिन है अंग्रेज़ी, 1 तारीख को आप यहाँ रहते हैं, इसका क्या वो मकसद है? ये अच्छा दिन है, साल का नया साल बोल के मुबारक है, और उसमें मेरे को बहुत अच्छा मालूम होता है यहाँ आने से और सुकून मिलता, और मेरा आने वाला साल नया यहाँ से बहुत अच्छा जाता, इसीलिए मैं यहाँ पे हर साल नया साल का यहाँ पे आता हूँ। सूफी सर जहन के थे, नाबीना थे, मतलब दादा आपके, मतलब ऐसा कुछ है क्या उन्होंने कहा ऐसा कुछ? दादा तो बहुत सारा चाहते थे और दादा हर टाइम में ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लिए सिवा कुछ काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए बेटा तुम भी ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जाते रहो आते रहो, इसीलिए हम ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में आ सकते थे। हमारे नांदेड़ ज़िले के लोहा तालुके के ज्येष्ठ पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं, DN कांबळे। सर तुम्ही इथं आलात, काय वाटलं, कसं आहे इथली परिस्थिती? मी आतापर्यंत अजमेर या ठिकाणी आलो नव्हतो, पण मला आपले लोह्याचे नगरपालिकेचे गटनेते करीमभाई शेख यांच्या वतीने या ठिकाणी येण्याचा योग आला। इथली पब्लिक बघून आश्चर्य वाटतं, एकाच ठिकाणी एवढी पब्लिक एकत्र जमणं आणि या लोकाला या ठिकाणी या अजमेरच्या दर्ग्याचं दर्शन होणं हे आश्चर्यकारक आहे। असला घटना, असा प्रसंग मी माझ्या जीवनामध्ये आतापर्यंत कधी बघला नाही, त्यासाठी हा जो प्रसंग आहे तो आम्हाला आश्चर्यकारक आहे। इसी के साथ हमारे लोहा नगर परिषद के नगरसेवक प्रतिनिधि केतन खिल्लारे भी इनके साथ आए हुए हैं। काय सांगताल तुम्ही आज राजस्थानच्या एका देशातल्या दर्गा शरीफमध्ये आले? अतिशय सुंदर माहोल आज आम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळाला। आम्हाला या ठिकाणी आमचे गटनेते करीमभाई शेख यांनी या ठिकाणी आणण्याचं भाग्य आम्हाला मिळालं आणि सर्वजण आम्ही या ठिकाणी पाहतोय आणि खूप मोठी गर्दी या ठिकाणी आहे आणि नवीन वर्षाच्या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी आलोत। नवीन वर्षाचं स्वागत आम्ही अतिशय चांगल्या ठिकाणी येऊन आम्ही तीर्थक्षेत्र आम्ही पाहत आहोत आणि आनंद घेत आहोत या क्षेत्राचा। हमारे तालुके के ज्येष्ठ पत्रकार दैनिक देशोन्नति के शेख मुर्तूद भी हैं, क्या कहेंगे आप, अल्लाह वालों की सरजमी पे आए हुए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारों से मेरी उम्मीद थी कि ख्वाजा गरीब नवाज इनके दरगाह में जाकर तशरीफ लाना और उनसे दुआ मांगना, लेकिन आज हमारे लोहे के गटनेता करीम भाई शेख इनके तरीके से हम सब लोगों को यहाँ आने का मौका मिला और ख्वाजा गरीब नवाज इनका तबाब करने का हमारे को मौका मिला। आज ये नए साल में हमारे को करीम भाई ने ख्वाजा गरीब नवाज इनके दरगाह शरीफ में लाने की लाए, इसलिए हमको ये नया साल करीम भाई को, हमारे पूरे आने वाले दोस्तों के फैमिली को और हमारे सबको और हमारे लोहा तालुके के तमाम जनता को ये नया साल मुबारक है। यहाँ दरगाह शरीफ के तरीके से उनको सबको ख्वाजा गरीब नवाज दुआ देंगे और ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ ये दरगाह। हमारे लोहा तालुके के महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष जगदीश कदम भी आए हुए हैं। कदम साहब काय सांगताल तुम्ही या भूमीमध्ये आलात? एक खूप मोठ्या प्रमाणात पावन भूमी अशी वाटली, इथले माहोल जी जनता आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणात येते, सुखसुविधा आहेत आणि पुरातन विभाग आहे आणि खूप पुराणं मंदिर आहे,
यातून अनेकांची श्रद्धास्थान असलेलं देवस्थान हे आहे आणि आम्हाला गटनेते करीम भाई शेख यांच्या माध्यमातून ह्या अनोखा असं दर्शन मिळालं ख्वाजा नवाबांचं. खरंच आम्ही करीम शेठचे आभारी आहोत आणि ह्या देवस्थानाचे आभार मानतो, कारण ह्या देवस्थानाच्या दरबारात आम्हाला येण्याची योग भाग्य लाभलं आणि तेही नवीन वर्षाचं भाग्य लाभलं, त्यामुळं खरंच मी आज मला स्वतःला धन्य मानतो. हमारे साथ दैनिक एकमत के पत्रकार शेख यूनुस है, क्या कहेंगे आप अल्लाह वालों की सरजमी पे आए? यहाँ ये जो दर है ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे जो आता है अपनी झोली भर कर लेकर जाता है. आज हम लोहा से गटनेते करीम भाई शेख इनके मार्गदर्शन से आज हम यहाँ दरगाह पर पहुँचे हैं, ताकि हम सब जो लोग आए अलग अलग तमन्नाएँ अलग अलग उम्मीद लेकर आए हैं. ख्वाजा गरीब नवाज हम सभी की तमन्नाएँ पूरी करें और हमारी हर नियामतों से झोली भरे, ये हम दुआ करते हैं. हमारे लोहा शहर के उद्योजक सिकंदर सेठ भी आए हुए हैं. बाबा भाई बोलो भाई, अपने नांदेड़ जिले के नहीं पूरे महाराष्ट्र में ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, टाइगर यूनियन बोल के वो चलाते हैं, क्या कहेंगे आप अजमेर शरीफ आए हैं? हम इसके पहले भी आए थे और अभी हमारे मार्गदर्शक जो लोहे के नगर सेवक करीम भाई इनके मार्गदर्शन में हम इधर पूरा मित्र मंडल आया है और हमको लेके आए. हम आज ख्वाजा गरीब का नज़ारा देख के बहुत हम खुश हो गए और हमको एक सुकून लग रहा है और पूरे हमारे दोस्त वगैरह भी आए वाले हैं तो इनको हम मुबारकबाद देते हैं. और बहुत सारे दोस्त हैं कि वो पहली बार भी आए, उन्होंने भी देख के लगे कि इतना मंदिर क्या चलने को नहीं मिल रहा, इतनी बड़ी हस्ती है. तो आज यहाँ पे हम ज़ारत के लिए आए हैं तो हम और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते कि हमारी आपने दखल ली. Thank you.